नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बता दें कि इस मैच का टॉस वेस्ट इंडीज की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म हो जाने तक वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बना लिए हैं। बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने अपना पहला विकेट केरन पावेल के रूप में टीम के 32 रन के स्कोर पर खोया। इसके बाद वेस्ट इंडीज टीम के 5 विकेट 113 रन के स्कोर पर ही गिर गए। इसके बाद रोस्टन चेज ने 6वें विकेट के लिए शेन डोरीज के साथ मिलकर 69 रन की साझेदारी की। वहीं 6वें विकेट के लिए जेसन होल्डर और रोस्टन चेज ने 104 रन की साझेदारी की, जिसके चलते वेस्ट इंडीज की टीम पहले दिन के खेल के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बना लिए हैं। बता दें कि दिन का खेल समाप्त हो जाने तक रोस्टन चेज 98 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं देवेंद्र बिश्नोई 2 रन बनाकर नाबाद हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने 52 रन का अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने जहां सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए हैं, वहीं उमेश यादव ने भी 3 विकेट हासिल किए। मैच के पहले दिन रविचंद्रन अश्विन को भी 1 विकेट हासिल हुआ है।